अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, काजू की बर्फी। इसको बनाना बहुत ईजी है और आप जो है ना, बस एक एक टिप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि जब आप लोग बर्फी बनाएं तो कोई मिस्टेक आप लोगों से ना हो। तो बहुत ही मज़े की बर्फी जो है हम लोग काजू घर में बना सकते हैं। बाहर से कितनी महंगी मिलती है, घर में इतने आराम से बहुत कम पैसों में जो है बन जाती है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो मज़े मज़े की चीज़ें मतलब घर में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलें आप मेरे साथ देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है वो काजू लिए हैं और बहुत ही अच्छे से फ्रेश काजू थे। ये देखिए बहुत आराम से टूट रहे हैं, तो उसके जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना उनकी अच्छी बर्फी नहीं बनती। और यहाँ पर मैंने जो है आधा कप चीनी ली है। देखिए चीनी जो है वो अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं, चख सकते हैं आप लोगों ने कितना मीठा खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पर जो है एक बर्तन में मैंने शुगर ऐड की है और इसमें मैं आधा कप ही पानी भी ऐड करूंगी। देखिए ये हम लोगों को ना सिरप जो है वो शुगर सिरप जो है हम लोगों ने एक तार वाली जैसे होती है वैसी नहीं बनानी, बस अच्छे से चीनी जो है वो घुल जाए। अगर आप लोगों ने तार वाली चाशनी बनाई तो वो फिर हमारी बर्फी जो है वो चिपचिपी सी अच्छी सी नहीं बनेगी। तो जीनी यहाँ पे अच्छे से जो है वो घुल चुकी है। तो अब हम लोग जो है वो पाउडर ऐड करेंगे। जो काजू दिखाए थे तो वो हम लोगों ने अच्छे से पाउडर बनाना है, तो पाउडर ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके देखें, जब मैंने इसका काजू का पाउडर बनाया था तो मैंने इसको छाना वाना नहीं है, मैंने वैसा ही बनाया है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है। अगर देखें ज़रा सा मोटा सा हो भी जाता है ना, कुछ गुठली बीच में छोटी छोटी आ भी जाती है तो वो बुरी नहीं लगती, वो बहुत मज़े की लगती है। तो छानने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसी के साथ जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। आधा कप जो है ना मैंने ऐड किया है, अगर इससे थोड़ी बर्फी वाली ज़्यादा भी बन जाएगी तो, अगर आप लोगों के पास नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी बन जाती है, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया है कि थोड़ी सी बर्फी ज़्यादा बन जाए। तो अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और इसमें दाग के लम्स वगैरह ना बन पाए, गुटलियाँ शुटलियाँ ना बने। तो आराम आराम से जो है, और फ्लेम जो है वो आप लोग लो रखिएगा। ये देखें अब जो है ना, एक चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है। अगर आप लोग के पास घी नहीं तो बटर ऐड कर लें। और जब हम लोग इसको इतना पकाएंगे ताकि जब हमारा ये अच्छे से डो तैयार हो जाए और हमारे जो कढ़ाई के साथ चिपके ना, तो समझिएगा हमारी मज़ेदार सी बर्फी की डो तैयार हो चुकी है। तो समझे ना तैयार हो गया। अब हम लोग फ्लेम बंद करेंगे, लेकिन फ्लेम बंद करने के बाद भी जो है ना थोड़ा आप लोग इसको चम्मच से चलाइएगा, क्योंकि अब हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म है तो इसके साथ जल ना जाए। तो फ्लेम बंद करने के बाद भी आप लोग चम्मच चलाते रहिएगा। ये कितनी अच्छी थिक सी जी है हमारी डो बन रही है। अब आप लोग कोई बटर पेपर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर तो ब्रेड वाला जो है वो चॉपर ले लिया था, उसी के ऊपर मैंने इसको जो है वो डो में रख दी थी। और ठंडी होने के बाद ज़रा ज़रा से ठंडी होना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ठंडा हो जाए ना, फिर आप इसको अच्छे से अच्छी सी शेप में इसको बेल लें, जैसे भी आप लोग बेलना चाहते हैं। मैं मुझसे तो अभी जैसे बनेगी आप लोग देख लीजिएगा, ये देखते हैं। अब हम इसको रखेंगे भाई ठंडा होने के लिए, जब तक अच्छे से ये सेट नहीं हो जाती। तो सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए अच्छी खासी ठंडी भी हो चुकी है और ये बहुत मजे की जो है ना बर्फी हमारी। तो कटिंग कीजिएगा, देखें कटिंग ना अपनी जिस शेप में आप लोगों को पसंद है आप लोग कर सकते हैं। इसकी साइडें जो है ना कोने शोने जहाँ से मुड़े हों वो आप लोग साइड से काट दीजिएगा, खुद खा लीजिएगा। जब मेहमानों के आगे रखते हैं तो अच्छी सी आप लोग रखिएगा। ये देखिए साइडें मैं काट रही हूँ, कोई बात नहीं, ये जाया नहीं होंगी, मैं खुद ही खा लूंगी।
देखिए, अगर आप लोग ना इसको पूरा दिन रखेंगे तो आप लोगों की बर्फी फिर भी जो है वो जम नहीं रही, अच्छी तरह बन नहीं रही। आप फिर क्या कीजिएगा, दोबारा इसको कढ़ाई में डालिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि परेशान हो गए तो वही हमारी तो बर्फी खराब होगी, ज़ाया हो गया, ज़ाया कुछ भी नहीं होता। आप दोबारा इसको कढ़ाई में डालिएगा और थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके दोबारा इसको पका लीजिएगा। उसके बाद दोबारा इसको बर्फी को सेट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बन जाएगी। अगर आपकी बर्फी ज़्यादा सख्त हो जाती है, बुरबुरी सी हो जाती है, बन नहीं पा रही आपकी अच्छी सी कटली से बन नहीं पा रही, तो आप क्या कीजिएगा, दोबारा इसमें ना आधा कप पानी, आधा कप तो थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा इसको पका लीजिएगा और उसके बाद फिर बना लीजिएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटी सी 2 टिप मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों की बर्फी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको दोबारा कढ़ाई में डाल के दोबारा पका लें। मज़ेदार सी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी।